शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शैतान कैलाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ फेरा। अपनी मांग के सिंदूर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खोने से पहले यहाँ से चली जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? क्या बेटी पागलों की तरह आंसू बहा रही है? अब इस बदनसीब की किस्मत में पागलपन भी नहीं है रवि। क्या जिंदगी है मेरी? मेरे सामने मेरे पति की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और मुझे इतनी आजादी नहीं थी कि मैं इनकी लाश पर आंसू बहा सकूं। धीरज रखो दीदी, धीरज का सिर्फ शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उनके आदर्श, उनकी सच्चाई के असूल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना खून बहाया, वही खून सारी जिंदगी तुम्हारे माथे पर सच्चाई की बिंदिया बनकर चमकेगा। उनके आदर्श तुम्हारी सांसों में जिंदा रहेंगे, उनके असूल तुम्हारी आत्मा को शक्ति देंगे, उनके कदमों के निशान तुम्हारे कदमों के साथ चलेंगे, उनके जज्बात इंसाफ की आवाज बनकर तुम्हारे दिल में गूंजते रहेंगे, और यह गूंज तुम्हें सच्चाई की मंजिल तक पहुंचाएगी, और यही गूंज पाप की जड़ें काटने में तुम्हारी मदद करेगी। मैं क्या करूं राम, मुझे पुत्र मिल गया। अरे तू अपने पति को नहला रही है या गधे को नहला रही है? ठीक से रगड़ना। जी रगड़ तो रही हूँ। क्यों जी? बाकारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है? अरे वो लफंगा अपने प्रोग्राम का दीवाना है और तू उसकी बांसुरी की दीवानी है। पानी संगीत की दुनिया में बाकारा तानसेन की तरह महान है? अरे वो महान नहीं है, भुतनी का शैतान है। अगर मैं महारानी होती तो उसे इनाम में सोने की मोहरे देती, मुरली विभूषण का खिताब देती। अगर मैं महाराजा होता तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल के उसे लटका देता टिल डेथ। मैं देख रहा हूँ जब से तू मुझे साबुन लगा रही है उसकी तारीफें किए जा रही है। अरे वो शनि की तरह मेरे घर में घुस आया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अच्छी बैठो जी। ठीक से लगा साबुन। चमेलिया तुम कब आई? जब से तुमने बजाना शुरू किया। पाकरा ये कौन सा रागा है? अनुरागा। इस अनुरागा का ताला कौन सा है? गोदरेज। मजबूत है। बहुत। माकारा, एक बार फिर से बजाना बांसुरी। अभी लो चमेलिया। देखो ये भाई साहब पागल भैंसे की तरह चिल्ला रहा है, कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। तुम चली जाओ, अंदर चली जाओ चमेलिया। अलविदा, गुड बाय, शब खैर। भाड़ में जाए तेरा संगीत का पागलपन। अरे मुझे नहलाते नहलाते छोड़कर तू यहाँ चली आई? आप नहीं जानते जी बादाम वाली खीर में क्या मिठास होगी जो इनकी बांसुरी में है। जब ये बजाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद बांसुरी बनकर उड़कर इनके होठों से चिपक जाऊं। क्या उड़ान है? बात बन जाना, कम से कम खटिया बनाने के काम तो आएगी। अरे ऐसी कौन सी खास बात है इसकी बांसुरी में? मैं इससे अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। भाई साहब आप भी बजाना जानते हैं बांसुरी? इधर लाओ बांसुरी और फिर देखो मेरी बांसुरी का कमाल। अच्छा भाई साहब ये लाठी नहीं है, बांसुरी है। हाँ, ये बांसुरी है। मुझे मालूम है ये बांसुरी है। अजी बस भी करो, पुलिस की सीटी तो ठीक से बजा नहीं सकते, बांसुरी के हाथ बजाओगे। सुबह अगर दोबारा हंसने की कोशिश की ना तो ये लंबा बांसुरा तेरे हलक में घुसेड़ दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। रवि क्या बड़ों की दुश्मनी हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बन जाएगी? नहीं रेनू, जब भी मैं अपनी बहन की उजड़ी मांग देखता हूँ तो तुम्हारे बाप और अंकल के खिलाफ मेरा दिल नफरत की आग से चलकर भड़क उठता है। जी चाहता है इसी वक्त जाकर, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है, इस तरह तुम अगर हर लोफर के साथ में। अरे असली लोफर तो तू है। अबे बेगैरत, इसने लोगों के बीच तुझे जूता मारा फिर भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो शहर कोई और था,
वहां मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला एक मामूली स्टूडेंट था, मगर उस शहर में मैं चारंगीलाल दो मुखिया का भाई हूँ। तो इस शहर में अगर चार मुखिया का भी भाई होता तो क्या कर लेता? अगर मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस लड़की से शादी नहीं की तो मेरा नाम विक्रम नहीं। क्या कहा? तुम्हारा भाई मेरी भतीजे से प्यार करता है? हाँ, उतना प्यार करता है जितना एक नेता अपनी कुर्सी से प्यार करता है। आओ रेनू, आओ। क्या बात है अंकल? कुछ नहीं रेनू, ये श्री चौरंगीलाल दो मुखिया हैं और ये इनके छोटे भाई विक्रम लाल। तुम इन्हें जानती हो? इनको तो नहीं जानती, लेकिन इनको तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रवि नाम के स्टूडेंट ने कॉलेज में इनकी बहुत पिटाई की थी, तब इनको देखा था, और अभी कुछ रोज पहले ये बीच पर मार खाने वाले ही थे, उस वक्त भी इनको देखा था। बस इतनी सी बात, भूल जाओ इसको, करीबी लोगों में से हैं। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम अगर हाँ कह दो तो ये शादी करने को तैयार है। सॉरी अंकल, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कह दूं तो बेहतर है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सॉरी चौरंगीलाल जी, बाय। वाह, कौन कहता है कि हिंदुस्तान बहुत पीछे, इस मामले में तो बहुत आगे। अच्छा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। जबरदस्ती शादी करवा दीजिए और क्या है। कैसी बातें करते हैं दो मुखिया जी, वो मेरे सगे भाई की बेटी है जो इस वक्त जेल में है, ऐसे हालात में उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ। सॉरी। अरे कोई मर्डर करने को थोड़ी कह रहा हूँ, शादी करवाने को कह रहा हूँ, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझ पर छोड़ दो, अखबार में एक सिंगल स्टेटमेंट देके दोनों की जबरदस्ती शादी करवा सकता हूँ। बुरे से बुरा आदमी भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो एक नेक लड़के से करना चाहता है चौरंगीलाल। तो क्या मैं नालायक हूँ? यही मेरी भतीजी ने बताया, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कैलाशनाथ, शिकारी कुत्ते की दुम से खेलना आसान है, मगर उसके जबड़े में हाथ डालना बहुत खतरनाक है, और तुम जानते हो कि मैं क्या हूं? आज जानता हूं, तुम कल के XMLC हो और मैं आज का करोड़पति हूं। ओके ओके। शंकर। यस सर। गाड़ी तैयार है? यस सर। शंभू। जी हां। ड्राइवर तैयार है? जी हां। इस घर को थूक थूक के भर दो और चलो। डैम इट। भैया, अगर रेनू से मेरी शादी नहीं हुई तो आपका लेवल गिर जाएगा। किसी खतरनाक गुंडे को ललकारना या किसी पॉलिटिशियन को भड़काना, दोनों का एक ही अंजाम होता है, तबाही बर्बादी। अब देखना मैं कैलाशनाथ के घर में कैसी आग लगाता हूं। हेलो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप कौन बोल रहे हैं? कानून की इज्जत करने वाला। आपके पति चंद्रशेखर लॉरी के नीचे आकर नहीं मरे थे, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। आपको कैसे मालूम? फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर सन्यासी राजा अचानक एक शराब की दुकान का मालिक कैसे बन गया? छानबीन कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। साहब, ये खून करने का प्लान बनाने वाले भी आप ही थे, और अब सर्कल इंस्पेक्टर को राज बताने वाले भी आप ही हैं। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर नहीं, चक्रव्यूह है। जब तक कैलाशनाथ का पूरा खानदान मुसीबतों के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक वो मेरे जूतों तले दबे हुए बिच्छू की तरह बेबस रहेगा, वरना मौका मिलते ही सबसे पहले मुझको डस लेगा, इतना हरामी है वो। अच्छा, इसी डबल चालबाजी को राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब जानते हो? ये शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। इस राजनीति के चार टुकड़े होते हैं, रा ज नी ती। रा से राक्षस की तरह, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला, और त से तिगड़मबाजी करने वाला, और इन चारों बातों में मैं शैतान का उस्ताद माना जाता हूं। बाप रे बाप, इससे तो अच्छा है इंसान किसी वेश्या के दरवाजे पर जाकर भीख मांग ले, मगर कभी भूल कर भी ऐसे पॉलिटिशियन का पीए न बने। एक बात याद रखना, ये राज तुम्हारे और हमारे बीच में है, अगर कहीं फाश हो गया तो तुम्हारा पूरा खानदान यमराज की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा, याद रखना। ये लो बलराम, सन्यासी राजा का स्पेशल माल, चढ़ाओ गटागट। नैसी लाठी लगी है तुझे, अच्छा हुआ। और तूने शराब की दुकान खोली ना, ये और भी अच्छा हुआ। मगर सन्यासी दुकान का नाम तुमने सन्यासी राजा वाइन शॉप रखा है ना,
बहुत बंडल है। अरे सन्यासी राजा। अरे कन्हैया आओ, तुम भी मारोगे ब्रांडी? मैं सिर्फ डंडा मारता हूँ। सर्किल इंस्पेक्टर ने बुलाया, चलो पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा, मेरी बहन जी ने बुलाया है तो बराबर है। मैंने शराब की नई दुकान खोली है तो मुझे मुबारकबाद देने के लिए बुलाती होगी। चलो बल्ला भैया जा रहे हैं। कन्हैया मेरी बहू को मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने कहा है कि आप यहाँ नहीं बैठे हैं। चलो चलो, ध्यान रखना दुकान का बलराम। कन्हैया कहाँ है हमारी बहन? अंदर आपका इंतजार कर रही है। मैडम। सॉरी बहन जी, अपनी शराब की दुकान के उद्घाटन के समय आपको बुलाना ही भूल गया। हैरत हो रही है ना बहन कि ये सन्यासी राजा अचानक साहूकार कैसे बन गया? कुछ नहीं, तकदीर आजमाने के लिए लॉटरी खरीदी थी, लग गई, 1,00,000 का इनाम मिला, बस। बड़ी खुशी हुई। तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो। ये पुलिस वाले मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? आए? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। आओ, बैठ जाओ। आप तो मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं कि मैं खुशी के मारे पानी पानी हो रहा हूं। ये मुझे बांध क्यों रही है बहन जी? तुम लोग बाहर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है बहन जी? उनकी मौत कैसे हुई? लारी के नीचे आकर। बहन जी, कोई भाई अपनी बहन की सुहाग को लुटाकर इतना खुश नहीं होता है। सिर्फ तुम जैसे खुदगर्ज और बिकाऊ खुश होते हैं। कम ऑन, टेल मी द ट्रुथ। उनकी मौत की तुम अकेले गवाह हो। बोलो उनकी मौत कैसे हुई? लारी के नीचे आकर। सच सच बता, अचानक तेरे पास इतने रुपए कहां से आ गए? लॉटरी लगने से। बोलो, उनका कत्ल किया गया था ना? जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी मौत लॉरी के नीचे आकर हुई है, उसे छोड़कर मुझे क्यों मार रही हैं? इनकी मौत कैसे हुई? नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। और ये चिट्ठी छोड़ गए। मेरी यही गलती के कारण एक मासूम की जान चली गई। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मेरा जमीर मुझे बार बार डसने लगा, इसलिए मैं धर्म और इंसाफ से डरकर आत्महत्या कर रहा हूँ। आइए आइए, मुझे पहले से मालूम था कि आप जरूर आएंगी। ये रिवाज है कि जब पहली बार कोई स्त्री घर में आती है तो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि आने वाले का स्वागत करो, उसे तिलक लगाओ। लेकिन अफसोस कि आप इस वक्त मर्द के लिबास में आई हैं। और दूसरी बात, तो भूल ही गया था कि मुकद्दर ने आपके माथे से सिंदूर और तिलक का हक तो कब का छीन लिया है। मेरी तकदीर से सिंदूर का हक तुमने मिटाया और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। किस जुर्म में? मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में। अच्छा, कोई गवाह है? डॉक्टर नरेंद्र की लाश। उस डॉक्टर से तुम डर गए कि कहीं वो गवाही नहीं दे दे। उसका खून कर दिया और खून को खुदकुशी का नाम दे दिया। अदालत का धर्म कांटा झूठी गवाहियों के बोझ से कब और किस तरफ झुक जाए ये तुम नहीं जानती इंस्पेक्टर साहिबा। एक तरफ मेरी गवाहियां होंगी और तराजू के दूसरे पलड़े में लाश होगी। लाश तुम्हारी क्या मदद करेगी? मुर्दे तो बोला भी नहीं करते। तुम्हें मुर्दा बनाने के लिए मेरी कैद में बंद जिंदा सन्यासी राजा की गवाही काफी है। वो गवाही नहीं देगा क्योंकि वो इस खतरनाक सांप के फन के साए में पल रहा है। आइंदा तुम्हारा साया उस पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल की चार दीवारी में कैद कर दूंगी। कॉन्स्टेबल, हम सिर्फ खून ही नहीं करते बल्कि शैतान की अक्ल भी रखते हैं। मैं जानता था कि तुम अपना नेक इरादा लेकर यहाँ होगी,
इसलिए मैंने पहले से एक तोड़ बनाकर अपने पास रख लिया है। एंटीसिपेटरी बेल, गिरफ्तारी से पहले जमानत का ऑर्डर। तुम अगर समझते हो कि इसके सहारे तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जैसे जुर्म के चोरों को किस तरह बिल से बाहर निकाला जाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बिल में नहीं, अपनी दौलत के किले में राजा की तरह सुरक्षित बैठा हूँ, जिसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना अंदर घुसने की ताकत रखती हो। मैं तो मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पति को जहर देकर जान से मार डाला, क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? मैं तो ये भी इकरार करता हूँ कि मैंने सन्यासी राजा को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी, क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? और ये भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं तुमसे डरकर वो डॉक्टर पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट ना दे दे, इसलिए मैंने पहले उस डॉक्टर को मुर्दा खाने पहुंचा दिया, क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, अपनी मांग के सिंदूर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खोने से पहले यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी बेटी भी तुमसे अलग कर दी जाएगी, उसके ससुराल नहीं बल्कि किसी गुमनामी और बदनामी वाली जगह पर। आउट, गेट आउट। तो दुखियों की दुख से रक्षा करता है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है, और इधर तेरी दुनिया के मजलूमों को हम जुल्म से बचाते हैं तो दुनिया हमें पुलिस कहती है। तुम्हारा वजूद है ये झूठ है, हम होते हुए भी नहीं है ये सच है। गुनेगार को जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे सर पर ये मुकुट क्यों? होने को जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सर पर ये खाकी टोपी क्यों? दीदी, जो आया है भगवान नहीं तुम्हारा भाई है, शायद कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पहचान काफी। अगर तुम मेरे जीजा जी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो और जिस कानून पर तुम्हें भरोसा है उसके जरिए शैतान कैलाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ मिलाओ। हम दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हैं, अगर मिलकर इंसाफ के लिए सच्चाई की जंग लड़ेंगे तो जीत जरूर हमारी होगी, सच्चाई की होगी, इंसाफ की होगी। हाथ मिलाओ दीदी। मैनेजर। यस सर। नए मजदूरों से कहो कि कल से काम पर आ जाएं। सर, नए लोगों को काम पे रखने से हड़ताल वाले मजदूर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। करेंगे तो मरेंगे, मैं उन्हें देख लूंगा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, क्या बात है? मेरा क्लासमेट है, उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दीजिए ना अंकल। अरे बेटी, तुम कहो और मैं ना मानू। जब तुमने शादी के लिए इनकार किया तो मैंने चौरंगी लाल जैसे बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले ली, तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं किसी को छोटी सी नौकरी नहीं दे सकता? जरूर दूंगा, मुझे उसका नाम और क्वालिफिकेशन दे देना। मैनेजर। यस सर। लेकिन अंकल, उसे टेम्परेरी नहीं परमानेंट नौकरी चाहिए। अरे बेटा, परमानेंट नौकरी मिलेगी। मैनेजर। यस सर। तुम एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा देना, मैं फौरन साइन कर दूंगा। ओके, आप खुश? बहुत खुश, थैंक यू अंकल। रवि, रवि। रवि, हमारी फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, मेरा लड़का मर गया और क्रियाकर्म करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ हेल्प हो जाएगी तो 50 रुपए मिल जाते तो। 50 रुपए? 20 से काम चल जाएगा, एटलीस्ट 5 रुपीज। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थैंक यू सर। सर 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 सर। अरे भाई, दे तो दिया। कंगाल। क्या आदमी है ये? दूसरों के मर्द दफ्तर में जाके सोते हैं और रात को घर में आकर जागते हैं। न जाने मेरे मर्द को क्या बीमारी है, घर में घुसते ही सो जाता है, खाने में पराठे और लेटते ही खर्राटे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाक्रम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए।
आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मजबूरी है तो मैं क्या करूं? 20 रुपए दे तो 10 रुपए दीजिए, चले 5 रुपए मिल जाए तो सिर्फ 2 रुपए दो दो दो। मम्मी 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 आज है ना मेरे स्कूल के पास दादाजी। छी 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 छी, मेरे बेटे के मरते ही इस घर से इज्जत और शराफत भी उठ गई। हे भगवान, जवान और कुंवारी लड़की का ऐसा शर्मनाक बर्ताव। किसकी बात कर रहे हो? अरे और किसी की बात होती तो मैं क्यों फिक्र करता। ये तुम्हारी लाडली पोती बीच बाजार में एक लड़के के साथ इश्क कर रही थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं दादाजी? झूठ तो सच क्या है तू ही बता दे। तू चौक में उस बिल्ली आंखों वाले लड़के के साथ मस्ती नहीं कर रही थी? दादाजी इस उम्र में झूठ बोलते हैं आपको शर्म नहीं आती? ज्योति बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं? लोगों से भीख मांगते हुए कह रहे थे मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाकर्म के लिए मुझे पैसे दे दो। और इस डर से कि मैं ये बात तुम्हें बताना दूं, उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पर पहले ही ये झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सच कह रही हूं मम्मी, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति चुप हो जाओ बेटी। बाबूजी, अगर आप जेब खर्च के लिए अपनी बहू से पैसे मांगना अपनी बेइज्जती समझते हैं तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि अपने मरहूम बेटे के नाम पर सड़कों पर भीख मांगना सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सारे खानदान की बेइज्जती है। जू जी, तुम भीख मांगते हो? जी जी, आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया, रो रही हूं इसलिए कि अब तक तुम जिंदा हो। महेंद्र बाबू, अरे ये क्या, तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था और तुम यहाँ चले आए। खैर कोई बात नहीं, माला कहाँ है लाओ। स्वागतम। क्यों चौरंगी लाल दो मुखिया, क्या बात है? वही पुरानी बात, उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था। आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया। तो ये है इनके आने का मकसद। बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया। चौरंगी लाल, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ। कोशिश तो बहुत की लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है, भुलाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें खोदते रह जाते हैं। तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से हम आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे। नहीं महाप्रभु, मैंने तो उसी दिन से अपने होश से लिए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला। कैलाशनाथ बोलो। मैं वो हूँ जिसने मर्डर्स कराए, दंगे फसाद कराए, जब उनसे नियत भर गई तो राजनीति में चला है। मैंने 17 घाट का पानी पिया है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो।
अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है कुछ मालूम? सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है। नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी हथड़ियों की लंबाई पहले ही नाप चुका हूँ। तुम उन कागजात का क्या करोगे? सन्यासी राजा जेल में है ये तुम्हें मालूम है, और हम ये कागजात झांसी रानी को दे देंगे ये भी तुम्हें मालूम है। सन्यासी गवाही ना दे तब भी वो कागजात तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए काफी है ये भी तुम्हें मालूम है। भाई चौरंगी लाल जी समझ लीजिए ये आपके पाँव है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चौरंगी लाल जी। पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजे का हाथ चाहिए। जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजी की शादी होगी। क्यों भैया? जो आपकी मर्जी। ये हुई ना बात, तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए। और बियर आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर। चीयर्स। चीयर्स। तुम ही खड़ा रहो। तुम चिंता मत करो रेनू, मेरे होते हुए शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डैडी और अंकल को ऐसा धोखा दूंगा कि शादी तो होगी मगर दूल्हा विक्रम नहीं ये रवि होगा। ओके ओके। नमस्ते सर। तुम क्या जाना हुआ? सर फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं, फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को काम पर लाने का तरीका बता सकता हूं। बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिक तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा, देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। मैं सबको ले आया हूँ सर। ठीक है, आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, और जिनको निकाला गया उनको वापस भी नहीं रखा जाएगा। और अहमद मियां के घर वालों को हार जाना भी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है सर। और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। नहीं कहिए सर। ठीक है, तुम लोग सब ड्यूटी पर चले जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? ये बात बताने की नहीं है सर, ट्रेड सीक्रेट। पहले आप अपना वादा निभाइए, मेरी शादी करवा दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर श्योर, कल ही तुम्हारी शादी होगी रवि। थैंक यू सर। डरने की कोई बात नहीं है, हाँ चलने दो। चारों तरफ हमारे गुंडे खड़े, नीचे पुलिस वाले हैं। सुनो जी, हो सकता है लड़की का बाप ऊपर आने की कोशिश करे। पुलिस वालों को कह दिया ना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं उसको एक भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने मत देना। कह दिए सर। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, चलने दो। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है किसी को ऊपर आने मत देना, ये देखिए। ओह माय गॉड। जरा चेहरा तो हटाने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो भाई रवि, मंगल सूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो, अब हमें कोई एतराज नहीं है। जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया भैया, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ भैया? शादी तो आपने करवा दी लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी।
आखिर तुम हो कौन? मेरा भाई और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी, आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोच कर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्रनाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन दो बालिकों को अगर तुमने धमका कर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही। अच्छा ससुर जी चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज। कहाँ है वो तुम्हारा बेकार बकारा? वो थाली में मुंह मारने नहीं आएगा क्या? लो, तुम्ही ने तो कहा था उसे कि बगैर परमिशन के मुंह नहीं खोलना। अरे उससे कहा था कि बांसुरी नहीं बजाना, खाना खाने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे कहाँ है ओ बेकार बाकारा मुंह माला? आपने मुझे बुलाया भाई साहब? अबे अबे तुझे झटके देने के सिवा कुछ नहीं आता, आ खाने में डूब। चन्नम चमचम थालियम शाइनम बट खीरम नरमम गरमम मैडम देतम स्वीटम और मेरा शराधम। अरे क्यों संस्कृत की मैयत निकाल रहा है? नहीं, जब मैं अमेरिका में था वहाँ मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की मिली जुली डिक्शनरी लिखी थी। टेलीफोन की डायरेक्टरी नहीं लिखी थी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? ये उल्टी है। ये उल्टा है? उल्टा नहीं भाई साहब, ये उल्टी ही है। इसका मतलब है ये वो होगा। हाँ भाई साहब ये वो ही है। वाह वाह राग लोड़ी। इसका मतलब है कि टूट गई मेरी उम्मीद की डोरी। भगवान मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, जरूर कोई धोखा हुआ है।